हेलो बेटा जी, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, क्या लिखा हुआ है? स्टैटिस्टिक्स, मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन। डिस्पर्जन सर, हम तो पढ़ रहे थे क्या मीन, मीडियन, मोड, सेंट्रल टेंडेंसी, पर ये डिस्पर्जन कैसे? बेटा जी, डिस्पर्जन के अंदर एक्चुअल में चार कॉन्सेप्ट आते हैं। कौन कौन से? मीन, इस वो एक तरह से रेंज, क्वार्टाइल डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन और मीन डेविएशन। जैसे कि आपको दिख रहा होगा, एब्सोल्यूट मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन में रेंज आता है, वेरियंस, स्टैंडर्ड डेविएशन, क्वार्टाइल डेविएशन, क्वार्टाइल और मीन डेविएशन। जिसमें से आज का जो कॉन्सेप्ट बट कहा हमारे इस क्लास में, वो है मीन डेविएशन। क्या है बेटा जी? मीन डेविएशन। तो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पे, आपको दिख रहा होगा मीन डेविएशन अबाउट मीन, मीन यानी एक्स बार के जरिए। तो इसका मतलब इंडिविजुअल सीरीज में सबसे पहले आपको एक्स बार निकालना आना चाहिए था, है ना? और एक्स बार कैसे निकालते हैं बेटा? सिग्मा एक्स अपॉन एन। अगर आपको टोटल पता है, टोटल नंबर्स करने के बाद आप पहले टोटल करोगे, टोटल करने के बाद अगर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से डिवाइड करोगे तो क्या कहलाएगा? एक्स बार कहलाएगा। क्लियर? एक्स बार निकालने के बाद मीन डेविएशन निकालने के लिए आप क्या करोगे, एक्स में से एक्स बार को पहले माइनस करोगे, उसका मॉडुलस करोगे, उसका सम करके डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, उसी को बोलते हैं मीन डेविएशन अबाउट मीन। मीन यानी मीन के जरिए निकालना। जैसे एग्जांपल से समझते हैं, हमने लास्ट क्लास एक एग्जांपल लिया था, उसी से रिलेटेड लेते हैं। मान लो टू थ्री सेवन फाइव टेन डन और 13, चलो। और मैंने आपसे कहा कि इसको आपको एक्स बार निकालना है, तो आप सभी को ध्यान होगा एक्स बार निकालने के लिए हमने क्या करा था। पहले जो भी नंबर थे उन्हें लिख लिया, ठीक है, और इसका टोटल करा सिग्मा एक्स। तो बताओ सिग्मा एक्स कितना आएगा? 5, 5 और 5 10, 20, टोटल 30 हो गया। और एक्स बार निकालने के लिए क्या आएगा फॉर्मूला बताओ? एक्स बार निकालने के लिए सिग्मा एक्स अपॉन एन, यानी 30 अपॉन 6, 6 या 5, 5, तो टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से डिवाइड होगा, तो मीन कितना रहेगा? 6। पर बात आता है, ये तो मीन था, पर मीन डेविएशन कैसे निकालते हैं? मीन डेविएशन निकालने के लिए आपको क्या करना है, x माइनस x बार करना है, उसका मॉडुलस करना है यानी नेगेटिव को इग्नोर करना है, फिर उसका टोटल करके नंबर से डिवाइड करना है। यहां से समझते हैं, x माइनस x बार को डेविएशन बोलते हैं एक्चुअल में, डन। d से डिनोट किया जाता है, पर इसका मॉडुलस करेंगे। देखो जरा, सबसे पहले बात आती है, टू में से जब मैं 6 को माइनस करूँ तो माइनस 4, माइनस 3, 1, माइनस 1 और 7। इसका मॉडुलस करोगे तो क्या होगा? मॉडुलस मतलब होता है नेगेटिव को पॉजिटिव में तब्दील करना। क्या होता है बेटा जी? नेगेटिव को पॉजिटिव में तब्दील करना। तो 3, 1, 1, 7, तो टोटल बताओ कितना आया? सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार टोटल कितना आया बेटा? 4, 3, 7, 8, 9, 9 और 7, 16। तो सोलह 16 डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी है? 5, तो 3.2 आया। मीन डेविएशन कैसे निकालेंगे बेटा बोलो? सही है, फिर से बता दो। जी बिल्कुल। देखो बेटा, सबसे पहले क्या करेंगे आप, पहले एक्स बार निकाल लोगे। पहले बताओ, एक्स बार निकाल लोगे ना, सिग्मा एक्स मतलब एवरेज सारा ऑब्जर्वेशन यस का सर। सम करके डिवाइड बाय एन करके, तो जो एक्स बार आता है उसको एक्स सीरीज में से रहा, एक्स में से माइनस करोगे किसको? एक्स बार को, दिख रहा है? अब जब मैं टू में से 6 माइनस करूँ तो माइनस 4, 3 माइनस 6 माइनस 3, 7 माइनस 6 1, 5 माइनस 6 माइनस 1, 13 माइनस 6 7। इसका मॉडुलस करोगे, क्योंकि मीन डेविएशन का फॉर्मूला कहता है कि एक्स माइनस एक्स बार के जो मॉडुलस है उसका टोटल लिया जाएगा। तो पहले मॉडुलस करना पड़ेगा, और मॉडुलस का मतलब होता है नेगेटिव को पॉजिटिव में तब्दील करना। तो क्या आप नेगेटिव को हटा दोगे बोलो? हाँ। और जैसे आप नेगेटिव को हटाओगे तो आपको दिखेगा कि यार सारी चीजें पॉजिटिव में है। इसका टोटल कितना आया? 16। और 16 को अगर हम 5 से डिवाइड करेंगे, इसी को बोला जाता है मीन डेविएशन अबाउट मीन। मीन को निकालने के लिए छोटे से ऐसे एक्स बार लगा देते हैं जिसके जरिए निकालते हैं। यही कॉन्सेप्ट हम मीडियन और मोड के जरिए भी देखेंगे, पर पहले मीन के जरिए देख रहे हैं। ये क्लियर है बोलो? हाँ आर्यन, यस बाकी सर। सभी यस बच्चों को सर। क्लियर है? चलिए अब आते हैं डिस्क्रीट सीरीज। डिस्क्रीट सीरीज में क्या होता है? डिस्क्रीट सीरीज दिखती है बेटा x1 x2 x3 करके xn तक, और उसी की फ्रिक्वेंसीज गिवन होंगी।
तो सबसे पहले आपको मैंने याद कराया था मीन निकालने का फॉर्मूला। तो मीन निकालने के फॉर्मूले में क्या करेंगे, एफ की एक्स में इंटू करके समेशन और सिग्मा एफ, ये याद है, जिसमें सिग्मा एफ को ही कैपिटल एन के नाम से बोला जाता है। और मीन डेविएशन अबाउट मीन निकालने के लिए एक्स माइनस एक्स बार करेंगे, उसका मॉडुलस करेंगे, यानी सेम है पर इसमें फ्रीक्वेंसी से इंटू करके फिर सिग्मा किया जाएगा और सिग्मा एफ से ही डिवाइड कर देंगे। क्लियर है बेटा? अब एक बार एक क्वेश्चन पहले मैं करके दिखा देता हूँ, फिर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा कैसे करते हैं। क्या आप सभी तैयार है? बोलो हाँ। क्या आप सभी तैयार है? बोलो हाँ। यस सर। यस सर। तो एग्जांपल लेते हैं इसके लिए भी। मान लेते हैं एक्स दे रखा है, फ्रीक्वेंसी दे रखी है 7354 2134। ठीक है, ज्यादा बड़ा क्वेश्चन नहीं लेते, कैलकुलेशन ही करनी है और कुछ नहीं। तो बेटर जो मैं कर रहा हूँ तो इजी ले लेते हैं कुछ थोड़ा सा, है ना। तो 7354 वर्टिकल लाइन में लिख लिया करो पहले, बहुत इजी हो जाता है कॉन्सेप्ट आपके लिए। देखो तो पहले तो सिग्मा एफ निकाल के रख लिया, कितना आया 10। ये क्लियर है पहले? बोलो हाँ। अब बात आती है करेंगे कैसे। जैसे कि इस वक्त आप सबसे पहले देखो x बार निकालना है, x बार निकालने के लिए क्या करेंगे, सिग्मा एफ एक्स डिवाइड बाई सिग्मा एफ, फॉर्मूला दिख ही रहा होगा आपको। x बार निकालने का फॉर्मूला क्या है, सिग्मा एफ एक्स डिवाइड बाई सिग्मा एफ। अब एक चीज बताओ, एफ एक्स कैसे निकालेंगे, एफ की एक्स में इंटू करके, यस और नो? 7 2 14 3 1 3 5 3 15 4 4 16। तो सिग्मा एफ एक्स कितना आएगा बताओ, 30 40 48। तो कितना आया, 48 डिवाइड बाई 10, सॉल्व करके कितना आया बेटा, 4.8। यहां तक किसी को कोई दिक्कत है? नो सर। अब वेट, इसके बाद फॉर्मूले को ध्यान से देखते हैं, फॉर्मूले में क्या लिखा हुआ है। फॉर्मूले में देखो तो पहले मुझे चाहिए x माइनस x बार का मॉडुलस, राइट? उसके बाद मुझे चाहिए x माइनस x बार के मॉडुलस में फ्रीक्वेंसी से इंटू। क्या मैं करूं इतना है? देखिए 4.8 अगर मैं 7 में से माइनस करूंगा तो ध्यान से देखो क्या आएगा, 3.2। ध्यान से देखो, एक गलती पूरा क्वेश्चन बिगड़ जाएगा, ध्यान रखना। 7 में से 4.8 सही से माइनस करो, ये 1.8 आएगा जब 3 माइनस करूंगा, है ना? ध्यान से देखो, सही कर रहा हूं? बोलो हाँ। हाँ जी बेटा जी, क्लियर है क्या कराया मैंने? यस सर। अब वेट, अब फ्रीक्वेंसी से इंटू करेंगे, क्योंकि एक्स मीन डेविएशन का फॉर्मूला क्या है पहले वो देखते हैं। मीन डेविएशन का फॉर्मूला था जी x माइनस x बार करके मॉडुलस करके फ्रीक्वेंसी से इंटू करके फिर सिग्मा करना। अच्छा, इतना बड़ा कार्यक्रम है। हाँ जी, इतना बड़ा कार्यक्रम है। जैसे कि जब आप 2.2 की फ्रीक्वेंसी से इंटू करोगे तो क्या आएगा, 4.4, 1.8, 3 2 6 0.6, और 8 4 32, यानी 3.2। यहां तक किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है? No, sir. 8 4 12 12 और 6 18 और 2 20 2 6 7 10, यानी 10। तो 10 टोटल आया है, सिग्मा एफ भी टोटल था, मीन डेविएशन बाय डिफॉल्ट बनाया है। यहां तक किसी को कोई दिक्कत है क्या करा है मैंने? और अगर किसी को ये वाला कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ है तो जो क्वेश्चन मैं अब इसमें करने जा रहा हूँ ये बिल्कुल डिक्टो सेम रहेगा। कैसे? क्योंकि x जो है मिड वैल्यू हो जाती है किसकी, ci की। तो पहले तो सेम फॉर्मूला याद रखते हैं। अच्छा, मीन निकालने के लिए कोई नया फॉर्मूला याद नहीं करना, सिग्मा एफ एक्स डिवाइड बाई सिग्मा एक्स एफ, और मीन डेविएशन के लिए भी सेम फॉर्मूला रखेंगे, सिग्मा समेशन यानी फ्रीक्वेंसी की x माइनस x बार के मॉडुलस में इंटू करके सिग्मा एफ से डिवाइड करेंगे। ये क्लियर है? बोलो हाँ। यस सर। अब वेट, जिसमें कि एग्जाम्पल के तौर पे क्वेश्चन करते हैं सी आई डन क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी आपको गिवन दी है। सपोज उसने दिया 0 से 10 10 से 20 20 से 30 30 से 40 4 2 3 और सपोज 1।
ये उसने फ्रीक्वेंसी दे दी। क्वेश्चन शुरू करूं, सबसे पहले एक्स किसे बोलते हैं, एक्स एक्स किसे बोलते हैं, मिड वैल्यू ऑफ सी आई, क्या मिड वैल्यू ऑफ क्लास इंटरवल सी आई, तो इसकी मिड वैल्यू क्या होगी बताओ, मिड वैल्यू क्या होगी, जल्दी जल्दी बोलो, 5, इसकी वैल्यू क्या आएगी, 15, वैल्यू क्या आएगी इन दोनों के बीच में, 25, इसके बाद 35, यहां तक किसी कोई दिक्कत तो नहीं है, सिग्मा एफ यानी आ गया, आपको एक्स बार निकालना है, तो एक्स बार निकालने के लिए सिग्मा एफ एक्स डिवाइड बाय सिग्मा एफ करते हैं, यस और नो, यस और नो, तो वेट, यानी मुझे पहले एफ एक्स चाहिए है ना, तो 5, 4, 20, 30, 75 और 35, टोटल देखते हैं कितना आया, 5, 5, 10, 1, 3, 6, 7 और 6, 13, 13 और 3, 16, तो 160 को किससे डिवाइड करूंगा, 10 से, तो कितना आया 16, यहां तक किसी को कोई दिक्कत है, क्या करा है बोलो, अब वेट, अब मुझे चाहिए मीन डेविएशन, मीन डेविएशन निकालने के लिए पहले x माइनस x बार करेंगे, मॉडुलस करेंगे, फ्रीक्वेंसी से इनटू करेंगे, फिर सिग्मा करेंगे, सिग्मा f, यानी कि पहले x माइनस x बार करके मॉडुलस करो, बताओ क्या आएगा, x में से जब मैं x बार माइनस करूंगा तो 11 कितना आएगा, 1, कितना आएगा 25 माइनस 16, 9 और 19, यहां तक किसी को कोई दिक्कत है, क्या कर रहा हूं, नो सर, फिर फ्रीक्वेंसी से इनटू करेंगे उसी की, तो कितना आएगा, ध्यान से देखिएगा, 11 की फ्रीक्वेंसी से यानी 44, 2, 1, 2, 3, 9, 27, 19, 1, 7, 19, तो ये टोटल कितना आ गया, 4, 2, 6, 7 और 6, 13, 13 और 9, 22, 2, 4, 6, 7, 8, 9, 92, यहां तक किसी को कोई दिक्कत है, 10 से डिवाइड करें तो आंसर कितना आ गया, 9.2, आया समझ, बोलो हाँ, उम्मीद करता हूँ आपको ये वाले कॉन्सेप्ट समझ आ गए होंगे, अगर कोई भी दिक्कत आती है, कोई भी इंक्वायरी आपको करनी है तो मेरे इस नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे भी ये चालू है, ठीक है, और अगर वीडियो समझ आ गई है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लीजिएगा, ठीक है बेटा जी।